हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने आज बहुत ही जल्दी नहा लिया है। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है पूरे दिन में। तो नहा धो के हम लोग पहुंच गए साईं बाबा के मंदिर में। और ये देखिए, हम लोग ने ई रिक्शा अंदर ही ले आए थे, काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो चलिए दर्शन करते हैं साईं जी के। और इतने सुंदर बाबा हैं ये, कितनी सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे निखिल दर्शन कर रहा था और यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने आरती में भी हिस्सा ले लिया थोड़ा सा। तो मंदिर में मुझको दिख गई फुलवारी और मैंने बना ली जल्दी से उसकी वीडियो। और मंदिर के पास एक छोटा सा मंदिर और था जहाँ प्यारे से छोटू से साईं बाबा जी रखे हुए थे। देखिए कितनी प्यारी आँखें हैं बाबा की। तो मंदिर के जस्ट बाद हम लोग निकल गए मार्केट, और ये थी वहाँ की रोड फेस की मार्केट। और यहाँ पे हम देखिए, उधर क्या दिखाने लगता है? अरे मार्केट दिखा दें। ये पगला देखो कैसे पकड़े बैठा है कि गिर जाएगा। और यहाँ पे ई रिक्शे पे गर्मी का मजा लेती हुई मैं, पता नहीं कौन सा जोक था जो ऐसे हंस रहे हैं हम लोग। कुछ शॉपिंग करने से पहले हमको लग जाती है भूख, तो सोचा चलो कुछ पेट पूजा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग खाने बैठ गए थे मुरादाबादी दाल, जो बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी थी। ये देखिए यहाँ पे बहुत टेस्टी थी, ऐसा लग रहा था एकदम कढ़ी खा रहे हैं हम। इसमें जो लहसुन अदरक की चटनी थी ना, वाह मज़ा आ गया। मम्मी भी कितने मज़े ले रही है और मैं। निखिल मेरे को पता नहीं कितना परेशान करता है वीडियो बनाते टाइम। और ये देखिए अभी खा लीजिए, यम, सो टेस्टी। तो हम लोग पहुंच गए थे आर्य समाज गली में। तो ये देखिए ये तारों की दुनिया, कितने तार हैं, बहुत ही कंजस्टेड गली है यहाँ पे। मतलब ये काफ़ी फेमस पहले की, पहले तो मार्केट हम लोग यहीं से करते थे, बट हमको कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था तो हम जा रहे थे हंस चेकोरा पे। इस गली में साड़ियाँ सूट्स जितने भी फैंसी कपड़े हैं सब मिलते हैं। ये देखिए माता की चुनरी वगैरह सब मिलता है। गोटे वाले फूल, अरे भैया क्या कर रहे हो? एक वो भी आते हैं जो गोटी वाले, यहाँ ऐसे करके ऐसे गोटी वाले फूल, ऐसे गोटी ठीक है। बिंदियों का भंडार है, फिर भी मम्मी डिमांड कर रही है इन्हें बिंदियों की डिजाइन देखनी है भैया से। ये लगाई ऐसा था, नल्ला आया है, बड़ी खुशी में आया था, काम कराऊंगा आपके साथ बाजार में, इधर उधर टिके जा रहा है बस। मैं 30 वाला ले आऊंगा भैया। भैया कितने अच्छे, हमें बिल्कुल घर के सामने छोड़ा है, आके हेलो बोल दीजिए भैया। हमें घर के आगे एकदम छोड़ा है, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। नीलम दीदी ने चाय बनाई। ए राधिका देखो इधर, बड़ी अच्छी लग रही हो। ओहो केला खा के बैठी, अच्छी लग रही क्यों ना? पापा भी आ गए हैं और ये पगला है इधर। आज इससे बदला ले ही लो। ले लो छोड़ो मत इसे। ये लड़कियों से ही डरता है। जय तो रेल बना दी जाएगी। कुछ ऐसा था मेरा दिन। आजकल ब्लॉग्स थोड़ा लेट आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय, टेक।